हर हर महादेव, क्या ही नज़ारा है। ओहो, भीड़ देख लो भाई, क्या ही भीड़ हो रही है। एटीएम, फाइनली एटीएम मिल गया भाई। भाई भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल लाइन चल ही नहीं रही। फाइनली पहुंचने वाले हैं जी, दर्शन हो रहे हैं, आप भी दर्शन कर सकते हो। तो चेक दिस आउट गाइस, हु इज विद मी, हर हर सचिन महादेव शर्मा जी, जी। हर हर। ये देखो जी, यहाँ से गौरीकुंड दिखा रहा है 13:30। वाह जी वाह, ये शॉर्टकट लेना चाहिए अपने को इस वाली यात्रा में। हर हर महादेव। सो जी गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के अभी 5:30 हो रहे हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हो जी, पूरा उजाला हो चुका है। पहाड़ों में जल्दी सनराइज होता है। फिलहाल अभी चल रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए, और उससे पहले कुछ ले लेते हैं, चाय वगैरह। सो गाइस, देख सकते हो केदार घाटी से खूबसूरत सुबह। और ये देखो जी, ये रहा हेलीपैड। जब आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो यहाँ पर आपको उतारा जाता है। ये रही सामने केदार घाटी, बिल्कुल जस्ट 500 मीटर पे, ये आप देख सकते हो जी। और इसी हेलीपैड के साथ ये है यहाँ पर स्टे ऑप्शन, और ये कैंप वगैरह जहाँ वेट करते हैं। फिलहाल जी चल चुके हैं लाइन में दर्शनों की, और ये है सामने मंदिर। देख सकते हो जी, कितनी ही लंबी लाइन लग रही है पूरी एंड तक, पूरी घुमा के। और ये एटीएम अपने को मिल चुका है जी, ये देख सकते हो, लेकिन बंद मिला है। चलो जी, और फाइनली यहाँ पर अपने को एक चार्जिंग पॉइंट भी मिल गया है। कई भाई भी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। ये देखो जी, ये आप देख सकते हो भैरव घाटी, और ये है इसका ट्रैक, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो देखते हैं, अगर जल्दी दर्शन हो जाते हैं टाइम से तो फिर चलेंगे भैरव घाटी में, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। ऑल दो आप आ रहे हो तो टाइम ज़रूर लेके आना, भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करना। भाई बहुत देर से लाइन में फंसे हुए हैं, और आप देख सकते हो जी, इतनी ज़बरदस्त लाइन है भाई, लोगों का बुरा हाल हो चुका है। 4-4, 5-5 बजे से, 3-3 बजे से लोग यहाँ खड़े हुए हैं लाइनों में, और लाइन बढ़ती जा रही है जी, पूरी भरी पड़ी है ना, आगे मूव हो रही है ना, बंदा निकल पा रहा है। भाई बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। देख लो जी भाई, क्या ही बोलूँ भाई, बंदे भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े हैं लाइनों में, आप देख सकते हो जी, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी यहाँ से मंदिर अराउंड अराउंड 500 मीटर तो नहीं, मतलब 100-200 मीटर दूर है। ये देख लो जी, अभी भी मैं यहीं खड़ा हूँ, कितनी देर से वीडियो बना रहा हूँ, और अभी भी मंदिर इतनी दूर है, और आगे कितने सारे श्रद्धालु हैं जी लाइन में, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जी। सो गाइस, अब फाइनली पहुँच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के नियर बाय, अब अपने को दर्शन हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। देख सकते हो जी, बिल्कुल अब अगला नंबर अपनी लाइन में आने वाला है। ये देख सकते हो जी, हेलीकॉप्टर जो बिल्कुल यहाँ केदारनाथ मंदिर से पास में से जा रहा है, और आप भी दर्शन कर सकते हो जी मंदिर के सामने से। क्या ही खूबसूरत अद्भुत नज़ारा है, पूरी आंखें तरस चुकी थी जिस नज़ारे के लिए, फाइनली वो आंखों के सामने है। हर हर महादेव, कमेंट सेक्शन में आप भी लिखो जी, हर हर महादेव। तो जी अब फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ जी, श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं दर्शनों के बाद। बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पर, मजा आ गया जी। सो गाइस, दर्शन अपने को हो चुके हैं अभी, और टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं। भाई बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी, फिलहाल अभी आप भी दर्शन कर सकते हो। मैं लाइव आने की भी सोच रहा था, बट लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ नेटवर्क की वजह से, बाकी फिर भी ट्राई करूंगा, अगर आप आए तो आपको भी दर्शन करा दूंगा। सो गाइज, अब जो आप देख रहे हो ये है वीआईपी दर्शनों का रास्ता, यहाँ से जाकर वीआईपी दर्शन हो जाते हैं इजीली। तो आपने भी बुक कराया तो आप भी कर सकते हैं यहाँ से जाकर वीआईपी दर्शन मंदिर के साइड में से। और अब इसके बाद आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं ये टेंट सिटी। यहाँ पर कई सारे मंदिर के पीछे टेंट वगैरह, कैंप वगैरह लगाए हुए हैं, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये भंडारे की, जो यहाँ पर नॉन स्टॉप फ्री भंडारा चल रहा है उसकी लाइन। और ये मंदिर के पीछे है जी भीम शिला, जो कि 2013 की त्रासदी में यहाँ पर आ गई थी, और उसके बाद मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया था इसी भीमशिला ने। तो आप भी आ रहे हैं तो भीमशिला की ज़रूर दर्शन करें और स्पर्श करें। फिलहाल आप देख सकते हैं जी, वो सामने भैरव घाटी का, भैरव जी का मंदिर।
तो अभी लेट हो गए तो नहीं जा पाएंगे। तो चेक दिस आउट गाइस, हु इज विद मी, सचिन शर्मा जी। हर हर महादेव, जय शंकर की। कैसे हैं जी, दर्शन हो गए आपके? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया हुए, बढ़िया हुए। मैं भी जस्ट अभी दर्शन करके बाहर आया हूँ। लाइनें बहुत लंबी लंबी है, लेकिन फिर भी जो दर्शन हुए ना बाबा के, दर्शन बहुत अच्छे रहे। और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी। हाँ सही में एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप ओपनिंग में आते हो तो गर्भगृह के अंदर नहीं आप जा सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती है। फिर भी गर्भगृह में अगर आपने कभी दर्शन करने हो तो आप सावन में जरूर आइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस आज 10 मई का दिन है और आज इन होटल वालों ने सबने यहाँ पर स्ट्राइक करी हुई है। भैया खाना वगैरह शुरू नहीं हुआ क्या? यार 12 बज रहे हैं यार, अब तो हो जाना चाहिए। 12 बज रहे हैं, अब तो हो जाना चाहिए। तो क्या स्ट्राइक चल रही है? क्या स्ट्राइक चल रही है? स्ट्राइक है क्या? सो गाइस फिलहाल बेस कैंप पे पहुंच गए हैं GMVN के सरकारी यूनो रेस्टोरेंट पर, और अपने लिए लिए हमने ये दाल चावल। आप भी आ रहे हैं तो ले सकते हैं, स्ट्राइक के अंदर भी ये खुला रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस कैंप पर ये देख सकते हैं जी, ये है सामने, ये यहाँ पर हम रुक, और आप आ रहे हैं तो आप भी यहाँ रुक सकते हैं। 700 पर पर्सन हमारा यहाँ पर लगा था इस कैंप में। ये बिल्कुल बेस कैंप पर ये सारा टेंट सिटी है, यहाँ पर आप भी रुक सकते। सो जी रास्ते में अपने लिए करवा रहे हैं गर्म पानी, क्योंकि यहाँ ना ठंडा पानी ज़्यादा मिलता है और वो आपकी तबीयत ख़राब कर देता है, इसलिए अभी यहाँ भैया से बात हुई है, गर्म पानी करा रहे हैं। सो जी फिलहाल खाना खाकर हमने वापस यात्रा शुरू कर दी है नीचे जाने के लिए, और आप देख सकते हो जी 13.5 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहे हैं। सो जी फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब एक शॉर्टकट ले लेते हैं। सो गाइस ये शॉर्टकट बेस कैंप के बाद आता है और ये सीधा आपको पहुंचा देता है लिंचोली पर, और काफ़ी ज़्यादा ढलान है, तो अगर आपके पास अच्छी खासी ग्रिप वाले शूज़ हैं तभी आप इस वाले शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, अदरवाइज सीधा। और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ टॉप से हम नीचे उतर कर आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ से, तो काफ़ी ख़तरनाक शॉर्टकट है। मैं तो कहूँगा आप सीधे रास्ते से ही आना। सो जी फिलहाल खड़े हैं एमरजेंसी हेलीपैड पर, और ये बड़ा लिंचोली क्रॉस करने के बाद जब छोटा लिंचोली आता है तब ये आता है, और यहाँ से अभी रामबाड़ा कुछ ही दूर है, तो हालत ख़राब हो रही है। बट फिर भी पूरी कोशिश है कि टाइम से एक बार नीचे पहुँच जाए ताकि स्टे अपने को कंफर्म मिल जाए सोनप्रयाग में, और फिर तो कल ही निकलेंगे। फिलहाल यात्रा देख सकते हो जी बढ़िया चल रही है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पर, और आज थोड़ा सा ना स्ट्राइक वगैरह है तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। देखते हैं, होपफुली जल्दी खुल जाएगी। और एक और बात, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो भाई अपना पावर बैंक ज़रूर लेके आना। फिलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं इस्टेब्लिश हुए हैं तो आपको चार्जिंग में, फ़ोन चार्जिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है। सो जी यात्रा में रामबाड़ा से पहले आपको कुछ इस तरीके की स्नो मिल सकती है जो कि ग्लेशियर हैं, और आप देख सकते हैं जी सभी यात्रीगण यहाँ पर स्नो में मज़े लेते हुए। और फिलहाल ये देख सकते हैं जी पशुओं के लिए यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था है यात्रा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और पशुओं को लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। फिलहाल ये जहाँ हम पहुँच चुके हैं ये चल रहा है जी निशुल्क भंडारा, जो कि ऊपर भी हमने देखा था मंदिर के पास और यहाँ भी चल रहा है, और एक हमने रामबाड़ा में भी आते समय देखा था, और ये है जी चंडीगढ़ वालों का भंडारा। सो जी यात्रा में आपको इसी तरीके के बेहद खूबसूरत नज़ारे मिलते रहेंगे, पहले स्नो फिर उसके बाद ये वाटरफॉल के काफ़ी सारे नज़ारे आपको मिलते रहेंगे, आपका मन मोह लेते रहेंगे। सो जी फिलहाल देख सकते हो हम यहाँ पहुँच चुके हैं रामबाड़ा में, और भाई ऑलमोस्ट अपनी यात्रा को स्टार्ट करें वापसी की हो चुके हैं लगभग 2.5 घंटे है ना, और 2.5 घंटे में रामबाड़ा पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम से। उतराई में इतना समय नहीं लगता, चढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और यात्रा में भी जो रामबाड़ा के बाद की चढ़ाई है ना वो सबसे ज़्यादा टायरिंग है, वो आपको थका देगी। तो भाई रामबाड़ा के बाद तो नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मेन चढ़ाई रामबाड़ा के बाद ही है। तो अब मेन ढलान भी रामबाड़ा से पहले ही मिलनी थी जब हम उतराई कर रहे हैं। तो कुल मिला के मौसम अभी एकदम बढ़िया हो रखा है, बारिश वगैरह अभी तो हुई नहीं है, तो लकीली कोशिश है कि 1-1.5 घंटे में यात्रा ख़त्म कर लें, पहुँच जाएँ गौरीकुंड। फिलहाल आप देख सकते हो जी रामबाड़ा पर क्या ही सुंदर झरना है, ये देखो जी बहुत ही बढ़िया दृश्य है, जल्दी प्लान कर लो केदारनाथ का। सो जी रामबाड़ा से आगे आ गए थे और अब भीमबली पहुंचने वाले हैं, और आप देख सकते हो क्या ही सुंदर नज़ारे मिल रहे हैं, और अब पहुंच चुके हैं जी भीमबली
और अब भीमबली से आगे बढ़ेंगे जी जंगल चट्टी की ओर, और ये देखो जी इसी तरीके के खूबसूरत नज़ारे आपको रास्ते भर मिलेंगे। फिलहाल अभी मौसम काफ़ी बदलता जा रहा है और आप देख सकते हो जी बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी। फिलहाल जी हम रुके हुए हैं इस रेन शेल्टर में जो कि जगह जगह बने हुए हैं यात्रा में रेन से बचने के लिए। तो देख सकते हो जी जंगल चट्टी के पास ज़बरदस्त बारिश अपने को मिली है और रेनकोट अपना गुम हो गया भाई वहीं। फिलहाल अपने पास था ये अम्ब्रेला तो अभी का काम चल रहा है, और अब यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया फॉर गौरीकुंड। सो जी पहुँच चुके हैं यात्रा शुरुआत के गौरीकुंड द्वार पर, और आप देख सकते हो जी बहुत ही मन में शांति मिलती हुई भाई। फाइनली वी डिड इट, यात्रा पूरी हुई, हर हर महादेव। तो ये है जी वो पॉइंट जहाँ से मेन यात्रा शुरू होती है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये देखो जी गौरीकुंड आपको दिख गया है, और कुछ इसी तरीके का संकरा रास्ता है जब आप आगे बढ़ते हैं फाइनली यात्रा खत्म करने के लिए। सो गाइस फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं गौरीकुंड के यहाँ जहाँ से अपने को टैक्सी मिलती है, बट बड़ी भसड़ है भाई यहाँ पे। लोग ना लोगों के उतरने से पहले ही टैक्सी में वापस बैठने लगते हैं उनको प्री बुक करके, तो भाई टैक्सी ही नहीं मिल पा रही यहाँ पे। गाइस बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है ये वाली टैक्सी वाली, अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी शायद ये फेस करेंगे। टैक्सी पहले से ही बुक कर देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है भाई। सो जी फाइनली गाड़ी अपनी उठा ली है और यात्रा संपूर्ण हो गई है केदारनाथ जी की, और आप भी अगर आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आप गौरीकुंड पहुंचते हो ना तो लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर अगर आप वॉक करके नीचे आ जाओगे तो गाड़ी खाली आ रही होती है, आप वहीं पर उसको यू नो हायर कर लो, क्योंकि अगर आप गौरीकुंड पे ही खड़े रहोगे ना तो भाई वहाँ दिक्कत होती है, श्रद्धालु आगे चले जाते हैं और गाड़ी को हायर कर लेते हैं, और फिर जब आपके पास गाड़ी पहुंचती है तो उसमें ऑलरेडी लोग बैठे होते हैं और आप थके हुए होते हैं और आपको परेशानी होती है। फिलहाल अभी यू नो सोनप्रयाग से निकल चुके हैं और आगे देखते हैं कहां तक जाते हैं, क्योंकि अपना जो स्टे था वो भैया को पता नहीं क्या मिसकन्फ्यूजन हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, बट भैया ने बोला कि वो ऑक्यूपाई हो चुका है। अब देखो सीज़न आ जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ठीक है यार। एनीवेज गाइस फ़िलहाल अभी सीधा चल रहे हैं और अभी तक खाना भी नहीं खाया है, और आपको अभी दिखाऊं ट्रैफिक दिखाऊं अगर आपको एक बार ट्रैफिक देखो आप खुद कहोगे कि भाई इतने लोग पहले दिन इतने ज़्यादा। आप देखो पार्किंग फुल है, रोड साइड कंटिन्यूसली ना 2 से 3 किलोमीटर हो चुके हैं। मैं अभी यू नो रामनगर नहीं रामनगर से पहले आता सीतापुर, तो मैं एग्जैक्टली वहाँ पहुँचने वाला हूँ और अभी तक कंटिन्यूसली सोनप्रयाग से रोड साइड में पार्किंग चल रही है। अब आप देख लो भाई। सो जी ये देखो मैंने अभी आपको बताया था एग्जैक्टली इस तरीके से सामने देखो सारे होटल्स वगैरह, इस तरीके से एग्जैक्टली सोनप्रयाग से कंटिन्यूस पार्किंग लगी हुई है, और नीचे देखो नीचे की साइड भाई वो पार्किंग है मेन, और वो भी पूरी फुल है। इतने सारे लोग आ गए हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो जी सीतापुर एग्जिट हो रहा है, देख रहे हो अभी तक यहाँ पार्किंग का आप देख लो भाई, इतना रश हो रखा है ना, इतना ज्यादा रश क्या ही बताऊं। सो जी डिनर आ चुका है अपना, और ये है फुलके ये दाल। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं फिर बताते हैं, स्टे अपना कंफर्म हो चुका है। सो जी देख सकते हो फिलहाल ये है अपना स्टे, और आगे अगर आपको दिखाऊं तो ये है वॉशरूम, ठीक है, ये है यहाँ इन्होंने दी हुई है कबर्ड अलमीरा फॉर लगेज।